Hi guys, what's up? I hope you all are doing well. So today we will discuss about RBI and its monetary policy. Okay, so let's start. So the first concept is, what is liquidity? Sir, liquidity kya hai? Liquidity is the measure of the ability and ease with which assets can be converted to cash. कोई एसेट है वो इजिली, कोई भी एसेट है वो इजिली कन्वर्ट हो जाए किसमें, कैश में. फॉर एग्जांपल मैं आपको पूछूं कि बाइक की लिक्विडिटी ज़्यादा है या गोल्ड की लिक्विडिटी. जाहिर सी बात है गोल्ड की लिक्विडिटी ज़्यादा है ना. गोल्ड को आप इजिली सुनार के पास जल्दी से बेच के उसको कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं, लेकिन बाइक बेचने के लिए आपको जल्दी से कोई बायर नहीं मिलेगा. ठीक है, तो लिक्विडिटी किसको बोलते हैं सर? ability and ease with which assets can easily be converted to cash. ठीक है, अब जब मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाती है, लिक्विडिटी का मतलब क्या हुआ सर? लिक्विडिटी का मतलब हुआ सर मनी सप्लाई बढ़ गई है. मनी सप्लाई बढ़ गई है मार्केट में, जिससे क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो घट जाएगी. ठीक है, मनी सप्लाई बढ़ गई है यानी बैंक ज़्यादा पैसे दे रहा है. ठीक है, मनी सप्लाई लोगों के पास पैसे ज़्यादा है, लोगों के पास ज़्यादा है तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग डिक्रीज हो गई है. बैंक क्या कह रहा है कि भैया कम ब्याज पे मेरे से लोन ले लो. अब लोग ले नहीं रहे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी लिक्विडिटी बढ़ी हुई है मार्केट में. ठीक है, और जब लिक्विडिटी हाई होती है, जब मार्केट में लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ जाता है, उससे क्या होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, लोग डिमांड करने लग जाते हैं जिसकी वजह से महंगाई आ जाती है मार्केट में. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है व्हेन लिक्विडिटी डिक्रीज, जब मनी सप्लाई कम होगी मार्केट में यानी लोगों के पास पैसा कम है, तो जिससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज, यानी कि बैंक भी चोट में आ जाएगा. बैंक कहेगा कि भैया अब तो मैं ज़्यादा ब्याज पे दूंगा पैसे, ठीक है, ज़्यादा ब्याज पे लोन दूंगा आपको. ठीक है, तो आरबीआई का काम क्या होता है, टू कंट्रोल द लिक्विडिटी, इस लिक्विडिटी को कंट्रोल करें या मनी सप्लाई को कंट्रोल करें. ठीक है, आरबीआई का काम क्या होता है, टू कंट्रोल दिस लिक्विडिटी एंड मनी सप्लाई. तो आरबीआई के बारे में पढ़ते हैं. आरबीआई की बना था सर 1 अप्रैल 1935 को बाय द वर्च्यू ऑफ आरबीआई एक्ट 1934. ओके, आरबीआई एक्ट 1934 में क्या था, फॉर द सुपरविजन ऑफ बैंकिंग फॉर्म, मतलब जितनी भी बैंकिंग फॉर्म्स हैं उनकी सुपरविजन करनी है आपको. ठीक है, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई नेशनलाइज हुआ था. ठीक है, और आरबीआई थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी इट कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ मनी और यू कैन से लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है. ठीक है, बाय इट्स मॉनेटरी पॉलिसी. ठीक है, और मॉनेटरी पॉलिसी किससे डील करती है, मॉनेटरी पॉलिसी डील्स विद मनी एंड क्रेडिट, क्रेडिट यानी लोन जो बैंक देता है. ठीक है, एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, जो ब्याज लगाता है बैंक लगाता है. ठीक है, उसको डिटरमाइन करता है कौन करता है, आरबीआई करता है. ठीक है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ आरबीआई, आरबीआई के क्या फंक्शन है सर? सबसे पहला फंक्शन है इट इज़ द सोल अथॉरिटी टू इशू इशू करेंसी. आपने देखा होगा हर नोट पर नीचे आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं. ठीक है, ही इज़ द सोल अथॉरिटी टू इशू करेंसी. आर बी आई इशू करेंसी ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम. ये चीज़ ध्यान रखना, जो उनसे मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए हैं रेड कलर में, वो ध्यान रखना सर, वो प्रिलिम्स में आ सकते हैं. अंडर विच इट कीप्स मिनिमम बैकिंग ऑफ 200 करोड़, जिसमें से 115 करोड़ का उसके पास गोल्ड होना चाहिए, 85 करोड़ रुपीज़ की सिक्योरिटीज़ होनी चाहिए ऑफ सम फॉरन गवर्नमेंट. ठीक है, अगेंस्ट दिस बैकिंग आर बी आई कैन इशू एनी अमाउंट ऑफ मनी. ओके, नेक्स्ट इज बैंकर्स टू द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स बैंक, यानी आर बी आई कैन लेंड्स टू द गवर्नमेंट, सेंटर एंड स्टेट बोथ दोनों को. इट ऑल्सो मैनेजेज द डेट मैनेजमेंट फंक्शन, यानी डेट मतलब क्या होता है, कर्ज, यानी कि सरकार के ऊपर अगर कर्ज चढ़ जाए तो उसको मैनेज करता है आरबीआई. ठीक है, आरबीआई आल्सो एक्ट एज एन एजेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडियाज मेंबरशिप ऑफ आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक. यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की जब भी मीटिंग्स होती हैं तो आरबीआई एक्ट एज एन एजेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई अटेंड करने जाता है उनकी मीटिंग्स. ठीक है, उसके बाद
आता है सर थर्ड फंक्शन, आरबीआई इज अ बैंकर्स बैंक, बैंकों का भी बैंक है, बिकॉज आरबीआई मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स एंड बाय द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जाहिर सी बात है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बैंक को रेगुलेट करने के लिए, इट दिस एक्ट एम्पावर्स द आरबीआई ऑल काइंड ऑफ बैंक्स इन इंडिया। प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया था कि बाय द आरबीआई एक्ट 1934 आरबीआई रेगुलेट ऑल काइंड ऑफ बैंक्स इन इंडिया, नो, बाय द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत द फोर्थ फंक्शन ऑफ आरबीआई इज ही इज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। सर जब बैंक क्राइसिस वाली सिचुएशन में है तो कौन प्रिवेंट करेगा? आरबीआई प्रिवेंट करेगा, इवन फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल्सो। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अगर बजट उसने बना दिया है 200 करोड़ रुपए का, ठीक है, और उसके पास गवर्नमेंट के पास टैक्स आया सिर्फ 100 करोड़ रुपए, यानी जो गैप है 100 करोड़ रुपए का गैप है वो कौन मेंटेन करेगा? वो आरबीआई देखेगा, ठीक है। अगर सपोज गवर्नमेंट को कहीं से भीख नहीं मिलती, कहीं से पैसे नहीं मिलते, तो आरबीआई उसको मैनेज करेगा, ठीक है। वो कैसे मैनेज करेगा वो आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आता है कस्टडियन ऑफ इंडियाज़ फॉरेक्स रिजर्व। इंडिया के सर फॉरेक्स रिजर्व का कस्टडियन होगा, ठीक है। अब इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व में क्या चीज़ें आती हैं सर? पहली आती है सर फॉरेन करेंसी एसेट, जिसको बोलते हैं हार्ड करेंसी एसेट्स, यानी कि करेंसी विच इज़ एक्सेप्टेबल फॉर द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन कौन सी हार्ड करेंसी हैं, 5 मेजर हार्ड करेंसी कौन सी हैं, और रिसेंटली कौन से देश की करेंसी, जो 5th करेंसी है, कौन से देश की अपनाई गई है हार्ड करेंसी में, ठीक है। दूसरी आती है सर गोल्ड। तीसरा आता है सर स्पेशल ड्राइंग राइट ऑफ आईएमएफ, यानी इट्स एन इंटरनेशनल टाइप ऑफ मॉनेटरी रिजर्व करेंसी क्रिएटेड बाय आईएमएफ इन 1969। इंटरनेशनल टाइप ऑफ मॉनेटरी रिजर्व यानी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सारे देशों का एक क्या है, एक गल्ला है, ठीक है, जिसमें हर देश को राइट है, स्पेशल ड्राइंग राइट है, ठीक है, उसमें से पैसे निकालने का, ठीक है। इंटरनेशनल टाइप ऑफ मॉनेटरी रिजर्व करेंसी क्रिएटेड, इट ऑपरेट एज अ सप्लीमेंट टू द एग्जिस्टिंग, ऑलरेडी इनके रिजर्व हैं, एग्जिस्टिंग मनी रिजर्व्स ऑफ मेंबर कंट्रीज, जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके जो एग्जिस्टिंग मनी रिजर्व हैं उनको सप्लीमेंट करता है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट यानी लोन्स गिवन बाय बैंक्स। आरबीआई कंट्रोल क्रेडिट यानी जो बैंक लोन देता है ऑन द बेसिस ऑफ टू कैटेगरीज ऑफ मेजर्स। द फर्स्ट वन इज क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर एंड द सेकेंड वन इज क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ प्लीज़ रिव्यू, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।